Good morning, students. Welcome to your online English class. Today, we will study chapter 7 of your English course book, Stone Shook. We will do chapter 6 later. So, open page number 63 of your course book and listen carefully. Now, this chapter or story is a play. Play means natak, jo stage pe kiya jata hai. In a play, there are different people who play different people. These people are called characters of the play. So, let's see who is characters of this play are number one, storyteller, matlab jo kahani suna raha hai. Number two, soldiers, matlab sipahi. Kon-kon sipahi hai? Ivan, Benny and Leo. Number three, villagers, matlab gaon ke log, three men and three women. Now, in a play, there are different scenes. Scene matlab natak ka ek portion jo stage pe dikhaya ja raha hai. First scene, a village. Storyteller. Long ago, three soldiers were returning home. They were tired and hungry, so they were happy when they saw a village. बहुत पहले की बात है, तीन सिपाही अपने घर लौट रहे थे. वो लोग थके हुए और भूखे थे. इसीलिए जब उनको एक गांव दिखाए तो वो देख के तीनों खुश हुए. आइवन, थैंक गॉड वी हैव रीच्ड ए विलेज. वी आर श्योर टू गेट फूड टू ईट एंड बेड्स टू स्लीप इन. आइवन ने बोला, भगवान का शुक्र है कि हम एक गांव पर पहुंच गया है. हमें यहाँ खाना और सोने का बिस्तर जरूर मिलेगा. स्टोरी टेलर. बट द विलेजर्स फियर्ड स्ट्रेंजर्स, सो दे हैड हिडन देयर फूड. दे हिट कैरोट्स under their quilts and bread in the hay. लेकिन गाँव वालों को अनजान लोगों से डर लगता था. स्ट्रेंजर मतलब अनजान लोग. इसलिए उन्होंने अपने कैरोट्स यानी गाजर को अपने quilts यानी कंबल में छुपा रखा था और ब्रेड को हे के अंदर छुपा दिया. हे मतलब फूस जो कि खेत से निकलते हैं. लियो, लेट अस नॉक ऑन द फर्स्ट डोर. लियो नॉक्स एंड ए वुमन स्पीक्स. चलो पहले दरवाजे पर खटखटा के देखा जाए. लियो ने खटखटाया और एक औरत ने आवाज़ दिया. वुमन वन, हु इज इट? औरत ने पूछा, कौन है? लियो, काइंड लेडी, वी आर थ्री हंग्री सोल्जर्स. कैन यू शेयर योर फूड विथ अस? लियो, काइंड लेडी मतलब लियो क्या बोल रहे हैं? दयालु महिला या सम्मान से पूछना. हम लोग तीनों भूखे सिपाही है.
क्या आप अपना थोड़ा खाना हमें दे सकते हैं? वुमेन वन, शेयर, आई हैव नथिंग टू शेयर, बांटना, मेरे पास बांटने को कुछ नहीं है। आइवन, वी माइट बी लकियर एट द नेक्स्ट हाउस, शायद हमारी किस्मत अगले घर में जाकर साथ दे। आइवन नॉक्स एंड मैन वन कम्स आउट। मैन वन, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें? आइवन, काइंड सर, कुड यू प्लीज गिव अस सम फूड, कृपा करके क्या आप हमें थोड़ा खाना दे सकते हैं? मैन वन, आई हैव नथिंग टू गिव, वी हैड ए पुअर हार्वेस्ट, मेरे पास देने के कुछ नहीं है, हमारी फसल इस बार खराब हुई है। पुअर हार्वेस्ट मतलब मौसम की फसल खराब या कम होना। स्टोरी टेलर, Whoever they asked had no food to give. जिनको भी उन्होंने पूछा उनके पास देने को खाना नहीं था। Ivan, friends, at least give us a big pot, some water and 3 round stones. We will make stone soup. दोस्तों, कम से कम हमें एक बड़ा पतीला, थोड़ा पानी और 3 गोल पत्थर दे दो, हम पत्थर का सूप बनाएंगे। स्टोरी टेलर, द विलेजर्स गेव देम दिस एंड गैदर्ड अराउंड टू वॉच, सून ए फायर एस लीड वॉस लीड एंड द पॉट placed on it. गाँव वाले ने वह सब उनको दिया, फिर इकट्ठा हो गया है सोल्जर को देखने के लिए। गैदर अराउंड मतलब एक जगह जमा होना। जल्दी ही आग जलाया गया और पतीले को वो आग पे रखा गया। बेनी पुट्स द स्टोन इन द वाटर, ऑल वी नीड नाउ इज सम सॉल्ट। बेनी ने पत्थर को पानी में डाला और कहा, आप हमें सिर्फ थोड़े नमक की ज़रूरत है। वुमेन टू, आई विल गेट सॉल्ट एंड सम पेपर टू, She brings the salt and pepper. मैं थोड़ा नमक ले आती हूँ और थोड़ा गलकी भी ले आती हूँ। पेपर मतलब गलकी, और वो नमक और गलकी ले आई। Ivan, putting in salt and pepper and tasting some. टेस्टी, नमक और गलकी डालकर और थोड़ा चख के देखकर, स्वादिष्ट है। लियो, इट वुड बी टेस्टियर विथ सम कैरट्स। बेनी कंटिन्यूज एंड सम कैबेज, थोड़ा गाजर मिल जाता तो और स्वादिष्ट बनता। और साथ ही साथ बेनी ने बोला, और थोड़ा सा पत्ता गोभी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मैन थ्री, आई हैव गॉट सम कैरट्स, मेरे पास थोड़ा गाजर है। वुमेन थ्री, एंड आई सम कैबेज, लेट अस गेट इट। वुमेन थ्री ने बोला, मेरे पास थोड़ा
गोभी है, चलो हम ये सब ले आते हैं। दे गो ऑफ एंड रिटर्न विद द वेजिटेबल्स। वो जाते हैं और वेजिटेबल लेकर आते हैं। लियो पुट्स इन द वेजिटेबल्स। ए फ्यू स्क्रैप्स ऑफ मीट विल मेक द शू फिट फॉर ए किंग। लियो सब्जियों को पॉट में डालकर कहते हैं ए फ्यू स्क्रैप्स ऑफ मीट, मतलब कुछ मांस के टुकड़ा अगर मिल जाते तो या शुभ राजा महाराजा के पीने का लायक हो जाता। फिट फॉर ए किंग मतलब एक राजा के लिए उपयुक्त या फिर बहुत बढ़िया। स्क्रैप्स, स्क्रैप मतलब टुकड़े, स्मॉल पीस। ओमेन थ्री मीट आई विल गेट सम, मैं थोड़ा लेकर आती हूँ। ओमेन थ्री गोस ऑफ एंड रिटर्न विद द मीट। वो जाती है और मांस लेकर वापस आती है। आइवन स्टारिंग द मीट इन, सूप विल बी रेडी इन ए फ्यू मिनट्स। बेनी स्प्रेड द रग। मीट को पॉट में डालकर उसको यानी सूप को स्टार करना मतलब धीरे धीरे उसको यानी सूप को पॉट में चलाना। सूप कुछ मिनट में तैयार हो गया। बेनी राग यानी कारपेट बिछा दे। बेनी स्प्रेड्स ए कलरफुल ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड। बेनी ने एक रंग बिरंगा कंबल जमीन पे बिछा दिया। बेनी टाइम टू ईट फोक, गेट सम बोल्स। चलो दोस्तों खाने का समय हो गया है, कुछ कटोरिया लेकर आओ। बोल्स मतलब कटोरिया। मैन टू आई विल ब्रिंग देम, मैं कटोरिया लेकर आता हूँ। ही गोज ऑफ एंड रिटर्न्स विद बोल्स एंड स्पून्स। वो गया और कटोरी और चम्मच लेकर वापस आया। आइवन इफ ओनली वी हैड सम ब्रेड टू गो विथ इट। काश इस सूप के साथ थोड़ा ब्रेड मिल जाता। मैन थ्री आई हैव सम ब्रेड जस्ट राइट फॉर सूप। मेरे पास थोड़ा ब्रेड है सूप के साथ खाने के लिए बिल्कुल सही। ही गोज ऑफ एंड रिटर्न्स विथ ए बास्केट ऑफ ब्रेड। वो जाता है और एक टोकरी ब्रेड लेकर आता है। स्टोरी टेलर सून एवरी वन वॉज हैप्पीली ईटिंग। फ्रॉम नाउ नो वन वुड गो हंग्री। दे हैड लर्नड हाउ टू मेक स्टोन सूप। जल्दी ही सारे लोग खुशी से साथ खा रहे थे। आप से कोई भी भूखा नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने स्टोन सूप बनाना सीख लिया था। ए रशियन फोक टेल रशिया देश का एक लोक कथा। फोक टेल मतलब गांव घर में कही जाने वाली कहानियाँ। सो चिल्ड्रेन व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। वी कैन लर्न दैट इफ ऑल ऑफ अस कंट्रीब्यूट लिटिल थिंग्स टू हेल्प सम पीपल
then everyone will get food and rest. No one will go hungry. Everyone will be happy and be happy together. Yeah, stone soup mein matlab asli mein patthar ka soup nahi. Iska matlab hai ki kam cheeze ba cheezo ka abhav rahne par bhi hame ghabrana nahi chahiye. Achhe log hamari madad karenge aur thodi thodi madad karke स्टोन सूप को असली सूप बना सकते हैं. वी कैन ऑल्सो लर्न दैट इफ वी हेल्प पीपल इन नीड वी मेक्स देयर लाइफ बेटर दे बिकम हैप्पी एंड देयर जॉय मेक्स अस हैप्पी एज वेल. दैट्स द एंड ऑफ द chapter. I hope you could understand. In today's homework, read the full chapter loudly once and learn all the difficult words and meaning. Thank you. Have a nice day.